वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश में निरंकुश शासन थोपने की कोशिश कर रहे हैं और उनका मुख्य लक्ष्य संघीय प्रणाली को ध्वस्त कर हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एक इतिहास, एक भाषा और एक रहन सहन की विचारधारा थोपना चाहती है जो भारतीय संस्कृति और देश की अनेकता में एकता वाली छवि के लिए खतरनाक चुनौती है। यहाँ मीडिया से बात करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा का पिछला शासनकाल राज्य के इतिहास का सबसे खराब समय था। उन्होंने यह भी कहा कि अपने शासनकाल में उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले, उनके पास दिखाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, तो अब वे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर आक्रमण कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि वे अपनी उपलब्धियों पर अभियान क्यों नहीं चला रहे हैं। चिदम्बरम ने आगे कहा कि भाजपा कर्नाटक के जरिए दक्षिण भारत में प्रवेश की कोशिश की जा रही है और हमें उन्हें रोकना चाहिए, ये दक्षिण भारत की विविधता के लिए खतरनाक संकेत है। महिलाओं को सशक्त सेनाओं में स्थायी कमीशन देने की लंबे समय से चली आ रही मांग अब जल्दी ही पूरी हो सकती है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बताया कि महिलाओं को खास क्षेत्रों की श्रेणी में स्थायी कमीशन देने की योजना को सशक्त सेनाएं तैयार कर रही है। उसकी सेना में प्रवेश के लिए एक स्पेशल कैडर तैयार किया जा रहा है। केंद्र ने इसके लिए 6 महीने का समय मांगा है। शीर्ष न्यायालय के सामने रक्षा मंत्रालय की तरफ से पेश किए गए एक शपथ पत्र में कहा गया कि सशक्त नेताओं की तीनों विंग और रक्षा मंत्रालय सशक्त सेना में स्थायी कमीशन हासिल करने में महिला और पुरुष अधिकारियों के बीच समानता के मुद्दे पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने अभी कहा कि इसके तरीकों को तैयार करने और तीनों सेनाओं में बदलावों को लागू करने और आवश्यक संशोधन करने के लिए 6 महीने का समय चाहिए। शपथ पत्र में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार स्थायी कमीशन की शुरुआत महिला अधिकारियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 14 साल की नौकरी पूरा करने के बाद बिना किसी समीक्षा के 20 साल तक नौकरी करने की छूट देने से करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में कर्नाटक में उनकी सरकार और पूर्व की भाजपा सरकार के बीच कोई मुकाबला नहीं है। लोगों ने भगवा पार्टी की सरकार को नकार दिया है, तो वहीं राहुल ने ट्विटर पर कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा सरकार के कामकाज की तुलना की। इस दौरान उन्होंने आंकड़ों के जरिए यह समझाने का प्रयास किया कि हर मामले में उनकी सरकार का शासन बेहतर रहा है। राहुल ने 2 अलग अलग ग्राफिक्स ट्वीट किए हैं, साथ ही कहा कि कर्नाटक में जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो ये ग्राफिक्स दिखाते हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं है। इन ग्राफिक्स में दावा किया गया है कि देश में रोजगार देने के मामलों में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार सबसे आगे है। अन्य भाग योजना से 4 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। रामथाल मरोल एशिया का सबसे बड़ी ड्रिप सिंचाई परियोजना है। दुनिया के सबसे बड़े और ऊर्जा पार्क का निर्माण भी पार्टी द्वारा किया गया है। उनकी सरकार ने 22 लाख किसानों के 8,165 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं। साथ ही उनकी सरकार ने 22 लाख किसानों के 8,165 करोड़ रुपए के कर्ज भी माफ किए हैं। राज्य सरकार ने चुनावी साल में ग्रामीणों को एक बड़ा तोहफा दिया है। पंचायती राज विभाग ने बुधवार को आबादी भूमि के पट्टों का ट्रांसफर या नामांतरण का अधिकार पंचायतों को दे दिया है। सरकार के यह कदम 295 पंचायत समितियों के 9,891 पंचायतों के 46,229 गांवों में निवास करने वाले लाखों लोगों की बड़ी राहत पहुंचाने वाला है। हालांकि इसके लिए लोगों को शुल्क भी चुकाना होगा, क्योंकि अब तक पंचायत की ओर से जारी पट्टों का मूल आवंटी से किसी अन्य को पट्टा ट्रांसफर या म्यूटेशन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। बेचान एवं लोन में आ रही दिक्कतें अब दूर हो सकेंगी, वहीं पंचायतों की आय में भी इजाफा हो सकेगा।